एक मेथड मैंने बताया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या इंटरव्यू, जहां पे डायरेक्टली जाके आप जानकारी देते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जहां पर आप रिस्पोंडेंट से ना पूछकर उसके आसपास के लोगों या थर्ड पार्टी से पूछते हो, उसको इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के दो तरीके बताया था, अब आगे के तरीके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। तीसरा तरीका ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का यह है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लोकल एजेंसीज का या करस्पॉन्डेंट की हेल्प लें। क्या होता है कि जैसे आज की डेट में मैं एक न्यूज चैनल चला रहा हूं, तो इसमें जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, ओरिजिनल दूंगा कि सेकेंड हैंड दूंगा, आप ये बताओ पहले। तो अगर मैं कोई न्यूज चैनल चलाता हूँ, आप देखो ब्रेकिंग न्यूज करके फ्लैश होता रहता है, वो प्राइमरी डाटा होता है कि सेकेंडरी होता है, ये बताओ पहले, तो ये बताओ। अगर मैं कोई न्यूज चैनल चला रहा हूँ, उसमें ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, तो जो डाटा है वो क्या है, प्राइमरी तो है, ओरिजिनल डाटा है। तो मैं तो अपने न्यूज ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, पर क्या है, पूरी दुनिया में मेरे रिपोर्टर्स हैं अलग अलग जगहों पर। जहां कोई इवेंट होता है, रिपोर्टर तुरंत पहुंच जाता है और हमारे हेडक्वार्टर में खबर कर देता है कि इस एरिया में ये हो रहा है। जैसे मेरा एक रिपोर्टर ओडिशा में है, अब ओडिशा में जैसे तूफान आया तो तुरंत ये न्यूज चैनल ऑफिस में बताएगा कि यहाँ तूफान आ रहा है, तो हम ब्रेकिंग न्यूज में दिखाएंगे ओडिशा टाइफून। तो क्या होता है, जब आपको बहुत बड़े एरिया की इंफॉर्मेशन कवर करनी होती है और आपको पता है कि आप अकेले नहीं कर सकते, तो आप अपने एजेंट्स बना देते हो। इन एजेंट्स को लोकल करस्पोंडेंट बोला जाता है। ये दूर दूर के एरिया में चले जाते हैं और वहां से जानकारी कलेक्ट करके आपको भेजते जाते हैं। आपको फिर उस जानकारी को बस प्रेजेंट करना होता है। तो जैसे न्यूज़पेपर एजेंसी वाले हो गए, रेडियो हो गए, टीवी चैनल वाले हो गए, वो लोग के पास जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आती है वो करस्पोंडेंट या लोकल एजेंसी से ही आती है। अब इस मेथड का फायदा क्या है, एक तो ये मेथड इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब ये होता है बेसिकली कि उतना खर्चा नहीं आता इसमें, आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इन रिपोर्टर्स को सैलरी देनी है। तीसरा, ऑन टाइम आपको देश दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सुबह सुबह आपके घरों में जो पेपर आता है उसमें सारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन तो रहती है। कलेक्ट करके कौन जाते हैं, लोकल करस्पोंडेंट लोग जो रिपोर्टर्स है वो कलेक्ट करके जाते हैं, तो इसमें ऑन टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये इकोनॉमिकल मेथड है, इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट सेविंग है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता। ठीक, इसका नुकसान ये हो सकता है कि अगर आपका रिपोर्टर बदमाश निकल जाए तो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। मान लो कि मैं रिपोर्टर हूं, मुझे बोला गया एक जगह जाके रिपोर्टिंग करने, अब मैं जाके वहां सो गया और अपने मन से कुछ भी उठपटंग रिपोर्टिंग कर दिया, तो उसमें तो फिर गलत जानकारी जाएगी ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका रिपोर्टर खराब है तो वो पर्सनल बायस यूज कर सकता है, मतलब अपनी पर्सनल फीलिंग के हिसाब से कोई भी जानकारी आपको दे सकता है। आप तो वहां हो नहीं, आपका रिपोर्टर है। अब आप मेरे को बताओ, आपको ये मेथड समझ आया कि नहीं, आया ना आपको ये मेथड समझ आया कि नहीं, लोकल करस्पॉन्डेंट हाई है ना कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो आपको समझ आ गया है, ये बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अब इसकी यार सूटेबिलिटी और ये यूज आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको तीन मेथड बता दिए प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। एक है डायरेक्टली जाके बात कर दो, इसको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं। आसपास के लोगों से पूछना इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। और अपने पूरे अलग अलग जगहों पर रिपोर्टर्स या करस्पॉन्डेंट रख देना जो होता है वो इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल करस्पॉन्डेंट कहलाता है। चौथा और आखिरी मेथड जो होता है बेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का या प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, उसको मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और अच्छे समझना। जैसे आप कुछ बड़ी प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे आप बैंक जाओगे कभी, या आप कॉलेज जाओगे, ठीक है, आप LIC बिल्डिंग जाओगे, आप स्कूल जाओगे, तो यहाँ पर क्या होता है, आप किसी कोचिंग में एडमिशन लोगे, अगर बड़ी कोचिंग है तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है। इस फॉर्म में क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होता है, जैसे योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ आपको फॉर्म दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है आप ये फॉर्म को फिल करिए और फिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन के पास वापस रीसबमिट करिए। जैसे बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओगे तो आपको फॉर्म दे देंगे, कॉलेज में एडमिशन देने जाओगे फॉर्म दे देंगे, LIC में पॉलिसी खरीदने जाओगे आपको फॉर्म दे देंगे, स्कूल में एडमिशन, कोचिंग में एडमिशन देने जाओगे आपको फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको भर के इन ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट करना है। तो आपको जब दिया जा रहा है तो इसे मेल करना बोलते हैं, मेल्ड। और आपको जो दिया जा रहा है वो सेट ऑफ क्वेश्चन दिया जा रहा है तो इसे मेल्ड क्वेश्चनेयर कहा जाता है।
तो मेड क्वेश्चनेयर वो मेथड होता है जहां सामने वाली जो पार्टी होती है उसको सेट ऑफ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उस पार्टी या उस पर्सन को इन क्वेश्चंस को फिल करना होता है, भरना होता है और ऑर्गेनाइजेशन को वापस कर देना होता है। तो जब ये अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके वापस करेंगे तो हमारे पास प्राइमरी डाटा कलेक्ट हो जाता है। जैसे आप लोग भी अभी स्कूल में रीएडमिशन कराए होंगे तो आपने भी फॉर्म भरा होगा, तो आप लोग की ओरिजिनल इंफॉर्मेशन अब स्कूल के पास जमा है। तो स्कूल ने किस मेथड का यूज किया? मेड क्वेश्चनेयर का यूज किया। अब आप बताओ आपको मेड क्वेश्चनेयर क्या है, समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? मेल्ड क्वेश्चनेयर क्या है, समझ आया कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा, ये बताओ। सभी लोग हैंड रेस करो या यस नो करके बताओ समझ आया कि नहीं। मेल्ड क्वेश्चनेयर, मेल्ड मतलब देना होता है, क्वेश्चनेयर मतलब ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बराबर सीक्वेंस में क्वेश्चन बने हुए हैं, आपको रिक्वेस्ट की गई है कि आप फिल करके इसको रिटर्न कर दो। तो जब आप वापस करोगे तो आपकी सारी जानकारियां या इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके फायदे क्या है? फायदा यह है कि इसमें ना टाइम बहुत कम लगता है, फटाफट इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा यहाँ पे बायस, बायस मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि आप खुद अपनी जानकारी दे रहे हो तो गलत तो नहीं दोगे, ठीक है। अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ये मेथड सबसे अच्छा है और इसमें रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ये इसके फायदे हैं। अच्छा, नुकसान ये है कि कई बार लोग गलत जानकारी भी दे देते, फेक नेम में लिख देते हैं, कई बार ये दिक्कत होती है, ठीक। दूसरा, अगर लोग अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं है तो ये मेथड काम नहीं करेगा। अब मैं इंसान है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, उसको मैं क्वेश्चन फॉर्म दे दूंगा तो क्या तो मेरे को भर के देगा? तो ये इसका नुकसान है बेटा, ठीक है। मेल्ड मतलब होता है प्रोवाइड करना, हाथ में जो आपको प्रोवाइड किया जाए वो मेल्ड है, या आपके घर लेटर से हम भिजवाएंगे वो मेल्ड है। जब हम आपको क्वेश्चन शीट भिजवाते हैं या कोई फॉर्म आपको भिजवाते हैं तो उसे मेल्ड क्वेश्चनेयर बोला जाता है। आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप उस फॉर्म को भरे और हमें वापस कर दें, इसे मेल्ड क्वेश्चनेयर बोलते हैं। तो इसका फायदा ये है कि इसमें समय कम लगता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, बड़े एरिया को कवर कर सकते हो और रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है, तुमको पता लग जाएगा लोग जब फॉर्म भरेंगे तो तुम्हें इंटरेस्टेड है कि नहीं। नुकसान ये है कि कई बार लोग गलत जानकारी दे देते हैं, और दूसरा अगर लोग अनपढ़ हो तो ये मेथड यूज नहीं किया जा सकता। आई होप आपको सभी लोगों को मेल्ड क्वेश्चनेयर क्या है समझ आ गया होगा, इसका सूटेबिलिटी और यूज खुद पढ़ेंगे। अब क्वेश्चनेयर से ही जुड़ा होता है एनुमरेटर का कंसेप्ट, क्वेश्चनेयर से ही जुड़ा होता है एनुमरेटर का कंसेप्ट, ये क्वेश्चनेयर के अंदर ही आता है। एक तो होता है लोगों को क्वेश्चन शीट दे देना, और दूसरा तरीका होता है कि आप क्वेश्चनेयर तो दे ही रहे हो साथ में एनुमरेटर भी रख दे रहे हो। एनुमरेटर मतलब मैं साधारण भाषा में लिख दूं हेल्पर, जैसे इसका मतलब ये है कि तुम जाना किसी शॉप से सिम कार्ड खरीदने के लिए कभी, तो उसका जो फॉर्म होता है इतना गंदा होता है ना कि भराया नहीं जाता, इतने सारे डिटेल उसमें भरने के लिए होते हैं, एक पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं भर पाता। तो क्या होता है, एक हेल्पर होता है, एनुमरेटर होता है, वो तुम्हारी मदद करता है फॉर्म को भरने में। सिमिलरली जैसे आप बैंक भी जाओगे ना तो अकाउंट ओपन का फॉर्म इतना लेंदी होता है कि बहुत सारी चीज हमको समझ नहीं आती, तो बैंक वाले ना कस्टमर केयर में एनुमरेटर लोग को बिठाते हैं। ये एनुमरेटर क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं किस चीज में, फॉर्म को भरने में। तो आप एक बात याद रखो, आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन लोगों की चाहिए, आप उनसे सेट ऑफ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, बट अगर ऐसा हो कि क्वेश्चन बहुत भारी भरकम हो या सामने वाले लोग अनपढ़ हो, मतलब उनको पढ़ना लिखना ना आता हो, तो आप उन लोगों के लिए एक एनुमरेटर रख दो, जो जो लाइन से जो जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा उनको वो एनुमरेटर से पूछ देंगे। अब आप बताओ आपको ये मेथड समझ आया कि नहीं, एनुमरेटर वाला। यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया जा रहा है और साथ साथ क्या किया जा रहा है, आपके लिए एक हेल्पर रख दिया गया है जो पूरा आपको शीट भरने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो मेल्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन शीट दे दी गई थी, आपको खुद भरनी थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन शीट दी गई है तो साथ में आपको एक हेल्पर भी दे दिया गया है जो आपकी पूरी क्या करेगा, हेल्प करेगा, भरवा के देगा। तो इससे फायदा क्या है कि जो लिटरेट लोग हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे और जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इलिटरेट है वो भी फॉर्म भर पाएंगे। हेल्पर हेल्प करेगा तो सारी इंफॉर्मेशन आप दे पाओगे, पूरे कॉलम्स भर पाओगे, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप दोगे, और बड़े बड़े सर्वे करने में मेथड बहुत अच्छा है। नुकसान ये है कि एनुमरेटर पैसा बहुत लेता है, तो एक्सपेंसिव मेथड है, थकान बहुत लगती है क्योंकि ये बहुत लेंदी फॉर्म्स होते हैं, बड़े बड़े फॉर्म होते हैं तो भरने में बहुत टाइम लग जाता है,
और अगर आपका एनुमरेटर नालायक निकल गया, हेल्पर को खुद फॉर्म भरना नहीं आता है, तो वो गलत फॉर्म भरवा देगा आपसे, ये इसके नुकसान। तो इतने मेथड होते हैं बेटा प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के, देख लो, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल करेस्पॉन्डेंट, मेल्ड क्वेश्चनेयर और क्वेश्चनेयर थ्रू एनुमरेटर। अब आप लोग मेरे को बताओ, इनमें से आपको कौन सा समझ नहीं आया, इनमें से आपको कौन सा समझ नहीं आया, आप ये बताओ मेरे को। और सारे आ गए हो तो यस सर बोलना, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। गुड, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक। अब एक सवाल है आपसे कि जैसे आपको मैं टास्क दे दूं कि आप एक काम करिए, अपनी एक कोचिंग स्टार्ट करिए और उसके लिए एक एडमिशन फॉर्म बनाओ, तो आप किस मेथड पे जा रहे हो? आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू पे हो कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन पे हो कि लोकल करेस्पॉन्डेंट का इस्तेमाल कर रहे हो कि क्वेश्चन एयर है, ये क्या है? अगर एडमिशन फॉर्म बना रहे हो तो, कोचिंग के लिए एडमिशन फॉर्म बना रहे हो तो किस मेथड पे जा रहे हो आप, ऊपर में से बताओ कौन से मेथड पे जा रहे हो। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड तनीषा, बाकी लोग बताओ किस मेथड पे जा रहे हो आप। अगर अपने स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन फॉर्म भराते बनाते हो और बोलते हो कि वो भर के आपको देंगे, तो ये किस मेथड पे आप जा रहे हैं? तो आप यहाँ पे क्वेश्चन एयर मेथड पे जा रहे हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चन एयर मेथड पे जा रहे हैं। अब मेरी बात को सुनना, अच्छे समझना, एक तो है कि क्वेश्चन एयर मेथड पे जाओ, दूसरी चीज ये है कि जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे लोगों के लिए, ठीक है, फॉर्म्स में जब आप क्वेश्चन डालेंगे तो क्या क्या क्वेश्चंस या कैसे कैसे क्वेश्चन डालने चाहिए, एसेंशियल्स क्या होने चाहिए, आपको कैसे क्वेश्चंस फीड करने चाहिए किसी भी फॉर्म में, तो आप एक बात समझिए, जब भी आप क्वेश्चंस डालेंगे ना, तो सबसे पहले ये याद रखो, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मत डालो, मिनिमम क्वेश्चन डालो, कम से कम, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने में इंसान इरिटेट हो जाता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन दे दूं तो आप भी परेशान हो जाओगे ना, सीधी सी बात है। मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा जो आप बना पाओ। दूसरा, जब आप किसी को क्वेश्चन देते हो तो क्वेश्चन की नंबरिंग जरूर कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके, ताकि सामने वाले को पता रहे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनो, आप अगर एक क्वेश्चन एयर फॉर्म बनाने जाओगे तो उसमें क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन कम होने चाहिए, दूसरी बार प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए, तीसरी बार क्वेश्चन शॉर्ट और सिंपल होने चाहिए जिसका इजीली आंसर दिया जा सके, ठीक है। देन पर्सनल क्वेश्चन किसी से नहीं पूछना है आपको, कि पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो क्वेश्चंस को इस फॉर्म में डालें कि आंसर सिर्फ यस और नो में देना हो, ताकि इंसान जल्दी आपको फॉर्म फिल करके दे दे। पहले 5 पॉइंट बताओ, आपको समझ आए कि नहीं है, कि आप भी अगर क्वेश्चन शीट बनाओगे तो आपकी क्वेश्चन शीट में क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, आपको ये 5 पॉइंट समझ आए कि नहीं, हाँ या ना, ये बताओ, ठीक। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन अक्सर कोशिश करो ऑब्जेक्टिव टाइप के होने चाहिए, ताकि उसको बनाने में आसानी हो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाते बनाते इंसान थक जाता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने चाहिए। तो ये ना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब अभी टेस्ट होगा तो मैं भी पूछूंगा, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चन एयर, तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए अगर पूछा जाए तो। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चन एयर, कम क्वेश्चन होना, लेस क्वेश्चन, लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होना, शॉर्ट और सिंपल क्वेश्चन होना, पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यस नो में पूछो, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, ये चीजें, ठीक है। आई होप आपको एक क्लैरिटी है। आगे आते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन एयर्स कैसे कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो जब आप कोई क्वेश्चन पेपर तैयार करते हो या क्वेश्चन एयर तैयार करते हो, तो आइदर आप उसमें डाल सकते हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो होते हैं जहां पर अक्सर आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको क्या करना होता है, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चुनना होता है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा ऑल्टरनेटिव दिए रहते हैं, आपको करना ये होता है जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसमें टिक करना होता है। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना, हैंड रेस कर दो, मेरे को पता लग जाएगा। अलग अलग तरह के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ आया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद होते हैं बेटा ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन वो होते हैं जिनका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं होता है, आप अपनी मर्जी से आंसर लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, कौन सा निशिता, कौन सा रिपीट करूं बताओ,
कौन सा क्वेश्चन? अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन शीट में, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो होते हैं जहां पे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, एक को टिक करना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप अपने क्वेश्चन शीट में डाल सकते हो, ठीक। उसके अलावा आप ओपन क्वेश्चन डाल सकते हो क्वेश्चन शीट में। ओपन क्वेश्चन वो होता है जिसके अलग अलग आंसर्स होते हैं। जैसे मैं बोल दूं व्हाट इज लाइफ, ये एक ओपन क्वेश्चन है, हर इंसान का आंसर इसको लेकर अलग अलग होता है, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन डाल सकते हो जहां पे उनको ट्रू और फॉल्स या यस और नो बोलना होता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे आर यू मैरिड, अब आगे ऑप्शन में दिख देगा यस और नो, तो आपको क्या करना होगा, आइदर यस और नो में टिक करना होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछूं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो आपका आंसर होगा सर नंबर वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सर नंबर टू ओपन क्वेश्चन, नंबर थ्री सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जिनमें से एक चुनना होता है, और आखिरी होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब जिसका डायरेक्ट आंसर होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे क्वेश्चन है यहाँ पे तो आंसर में अपना नाम लिख देना है। तो आप इस बात को दिमाग में बिठाइए, आपको मैंने दो एक्स्ट्रा चीजें बताई है, एक कि क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्वेश्चंस के क्या बेटर एसेंशियल्स होते हैं, आपको क्या कैसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए। दूसरा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में डाल सकते हो, आप ओपन क्वेश्चन डाल सकते हो, आप ऑल्टरनेटिव डाल सकते हो, आप स्पेसिफिक डाल सकते हो। आप बताओ आपको मेरी कही गई बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना, सभी लोगों को इतना कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया। इतना कंसेप्ट समझ आ गया, तो यहाँ पे जाके प्राइमरी डाटा का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया। देख लो यार पढ़ना कैसे तुम लोग को, दो तरह के डाटा है, प्राइमरी डाटा है सेकेंडरी डाटा है, जो ओरिजिनल नेचर का है प्राइमरी है, जो छपा छपा है वो सेकेंडरी है। डिफरेंस बिटवीन पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करना है, तो पहला मेथड क्या पढ़े, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, सीधे जाके जानकारी देना, इंटरव्यू देना मतलब। दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आसपास के लोगों से पूछना। लोकल करस्पॉन्डेंट मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर करना, जैसे न्यूज चैनल वाले करते हैं जहां पर जाकर आपके एजेंट होंगे आपको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड वो है जहां पे आप क्वेश्चन फॉर्म भर के दे देते हैं, सामने वाला फिल करके आपको वापस करता है। When will you give notes of this chapter? Notes have already been given in the new group, Soumya Patil. कल शाम को नोट्स जा चुके हैं, किस दुनिया में आप? ओके सर जी करके एक बच्चे ने मैसेज भी किया था, आप ग्रुप ग्रुप नहीं देखते हो क्या? जो री एडमिशन स्कूल में कराया उनका न्यू ग्रुप बना है, ठीक है। आप बात करिए स्कूल में, ऐड करवाइए अपने आप को, उसी ग्रुप में टाइम टेबल भी जा रहा है। आप बात करिए यदु सर से, नोट्स मिल गए, जो उस ग्रुप में बच्चे हैं उनको नोट्स मिल गए हैं। आप लोग का री एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, आप बात करो स्कूल में, क्या सिस्टम है। आप लोग का नया ग्रुप बन गया क्लास 11th कॉमर्स का, उसमें बच्चे एडेड भी है, स्टूडेंट एडेड भी है, नोट्स मैंने उसमें भेज भी दिया है, कल ही भेज दिया था। आप बात करिए, ठीक है। तो मेल्ड क्वेश्चन एयर है जिसमें आपको क्वेश्चन शीट दे दी जाती है और आपको रिटर्न करना होता है फिल करके। फिर कई बार लोग इलिटरेट रहते हैं तो उनके हेल्प के लिए एनुमेरेटर रख दिए जाते हैं। देन हमने पढ़ा एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चन एयर। एसेंशियल ऑफ गुड क्वेश्चन एयर का हिसाब किताब क्या है कि आप जब क्वेश्चन शीट बनाओगे तो क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, तो कम क्वेश्चन रखो, प्रॉपरली नंबरिंग करो, इजी क्वेश्चंस डालो, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा पूछो। क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, तो मल्टीपल चॉइस होते हैं, ओपन क्वेश्चन होते हैं, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, इतने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा हैंड रेस करके बताओ यार न्यू ग्रुप में कौन कौन एडेड हो, ये मेरे को पता तो रहा है कम से कम, न्यू ग्रुप में कौन कौन एडेड हो, हैंड रेस करो। सभी लोग भाई जो एडेड है तो मेरे को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा उस चीज का, हैंड रेस करके रखे रहो, इतने लोग न्यू ग्रुप में एडेड हो।
ठीक है, आइडिया तो हुआ कम से कम। नया ग्रुप बन गया स्कूल का जो रीएडमिशन कराए उनका, ये ध्यान रखना आप लोग, देख लो स्कूल में क्या सिस्टम है तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी डाटा हो गया खत्म, अब बारी आती है सेकेंडरी डाटा की। सेकेंडरी डाटा बेटा उसको बोलते हैं जो ऑलरेडी बना बनाया है, सिर्फ आप अपने यूज में लाते हो उसको। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं तुमको एक प्रोजेक्ट बनाने बोल दू ना, तुम कौन सा मेहनत करके खुद से बनाओगे? जो ऑलरेडी क्लास 11th में स्टूडेंट था, आप क्या करोगे, उसी का प्रोजेक्ट लोगे और उसी को कॉपी कर दोगे। तो आपने क्या किया, सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल किया। सामने वाले ने भी शायद सामने वाले ने अपनी मेहनत से बनाया था, आपने सिर्फ उसके प्रोजेक्ट को उठाया और खुद लिख डाला, तो उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। मुझे अगर आपको कोई क्वेश्चन देना हो तो मैं खुद से भी क्वेश्चन बना सकता हूँ, मैं खुद से बनाऊंगा तो प्राइमरी डाटा है। और अगर मैं गूगल सर्च करूंगा क्वेश्चन के लिए और गूगल से आपके लिए क्वेश्चन निकाल के आपको दूंगा तो उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलेंगे। तो सेकेंडरी डाटा वो है जो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, पहले बताओ सेकेंडरी डाटा क्या है, ये समझ आया कि नहीं? हाँ या ना, मैं बोलता हूँ आ गया होगा। अब बच्चों सेकेंडरी डाटा जो होता है ना दो प्रकार का होता है, ध्यान से समझना। सेकेंडरी डाटा दो सोर्सेस से हमें मिलता है, एक होता है पब्लिश्ड सोर्स, एक होता है पब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्स वो होता है विच आर पब्लिकली अवेलेबल, विच आर पब्लिकली अवेलेबल, जो मार्केट में अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल है, उसे हम पब्लिश्ड सोर्स बोलते हैं। और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्स, अनपब्लिश्ड सोर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है विच आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल, विच आर नॉट पब्लिकली अवेलेबल एंड can be acquired or collected on request। ठीक है सर, कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले। बेटा मैं ये बोला सेकेंडरी डाटा वो है जो ऑलरेडी है अवेलेबल, आपको खुद से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल है तो उसे पब्लिश्ड सोर्स बोलेंगे, और अगर ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो उसे अनपब्लिश सोर्स बोलेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, मैं बोलता हूँ जैसे स्टूडेंट का नाम विवेक है। ठीक है, अब विवेक जो है उसकी सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं प्रोफाइल तो होगी होगी, FB में हो सकती है, इंस्टा में हो सकती है, ट्विटर में हो सकती है। तो यहां पर वो जो इंफॉर्मेशन डालता है वो पब्लिश्ड है कि अनपब्लिश्ड है, ये बताओ, वो पब्लिश्ड है कि अनपब्लिश्ड है, वो पब्लिश्ड है कि अनपब्लिश्ड है? उसने जो भी जानकारी अपनी फेसबुक इंस्टा ट्विटर में डाली है, ये पब्लिश्ड है कि अनपब्लिश्ड है? सीधी सी बात है, पब्लिश्ड है, वो खुद ही लिख के बता रहा है कि मैं ये हूं मैं वो हूं, अपनी जानकारी खुद दे दे रहा है। और इसका जो आधार कार्ड स्कूल में जमा है, आधार कार्ड की जो कॉपी स्कूल में जमा है, ठीक है, या बैंक में जमा है, वो पब्लिश्ड है कि अनपब्लिश्ड है, ये बताओ। तो देखो इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, ठीक है, मुझे लेना विवेक से ही जानकारी है। अगर मैं उसके FB या इंस्टा या ट्विटर से उसकी जानकारी दे रहा हूं तो मैं पब्लिश्ड सोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर मैं विवेक से रिक्वेस्ट करता हूँ या विवेक के बैंक वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे विवेक का आधार कार्ड चाहिए, तो मैं अनपब्लिश्ड सोर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सेकेंडरी डाटा ऑलरेडी बना बनाया है, उसको खुद से बनाना नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि अगर वो जनता के सामने है तो पब्लिश्ड सोर्स है, और अगर रिक्वेस्ट करके मांगना पड़ जाए, जनता के सामने अवेलेबल ना हो, तो उसको अनपब्लिश्ड सोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये होमवर्क है, पब्लिश्ड सोर्स में क्या क्या पेपर्स आते हैं आपको ये पढ़ना होगा, और अनपब्लिश्ड सोर्स क्या है ये पढ़ना होगा। यहाँ तक आज हमारी क्लास है, ये हम आज इतना करेंगे। ये आप एक बार पढ़ के देखना आपको समझ आया कि नहीं, पब्लिश सोर्स में कौन कौन सी मैगजीन और कौन कौन से पेपर आते हैं, एक बार इसको पढ़ना। ठीक है, अनपब्लिश सोर्स तो ऐसे सोर्सेस हैं जो पब्लिक के सामने है नहीं, उसको रिक्वेस्ट करके मांगना पड़ता है।
इतना पढ़ के रखना, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। और देख लो जिसका रीएडमिशन नहीं हुआ है करवा लो, क्योंकि स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है और आगे जूम से क्लास चलेगी नहीं, ऐप वेब से चलेगी, तो उसके पहले अपने आप को तैयार कर दो उस चीज के लिए। ठीक है, डेट्स इट फॉर टूडे, ये करो आप।